देशवासियों को शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना बधाई, मेरा प्रणाम और आशीर्वाद। श्री राम कथा आयोजन समिति राजस्मरणीय पूज्य बाबू गुरु जी महाराज संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के अखंड तप से संकल्प से श्री महाराज जी के राम कथा चित्रकूट नाम परिसर में हम गा रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, जैसे भी आ सके तो आके सुने, अथवा पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उस पर कथा श्रवण करें, सुने, गुने, समझे और रहने का प्रयास करें। सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, राम कथा कहने की कथा नहीं है, रहने की कथा है। जो रहेगा उसका जीवन सुभाषित होगा। श्री रामचरित मानस जी में भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ भगवती पार्वती जिसे देवी, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा कर श्रवण पुट पान। राम जी के चरणों में जो प्रीति चाहता है अथवा मोक्ष या भक्ति पद चाहता है, वो भगवान की कथा कान पार करके केवल श्रवण करे, कथा उसके जीवन को सुगंधित कर देगी। जहाँ भी वो रहेगा, इस लोक में कि देवलोक में अथवा किसी लोक में, सर्वत्र उसकी जय जयकार होगी। इतना यह मानस का संदेश है, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है। सब लोग सुने, गुने और पधारे, नहीं तो घर में बैठ कर श्रवण करें। सादर जय सियाराम।